नमस्कार ब्रिज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय किशन सिंह एकलव्य। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां भाजपा की चेयरमैन पर ईओ को बंधक बनाने का आरोप, जबरन भुगतान करवाने का दबाव बनाने पर का लगाया आरोप। थाने में भी की अभद्रता, मामला थाना फतेहाबाद का बताया जा रहा है, जहां ईओ ने चेयरमैन आशा देवी चक व भाई तथा बेटे पर बिना बिल भुगतान कराने के लिए अभद्रता और बंधक बनाने का आरोप लगाया। ईओ का आरोप है कि थाने में उनसे और पुलिस कर्मियों से भी अभद्रता की गई। घटना के बाद से भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता थाने पर पहुंच गए हैं। फतेहाबाद नगर पंचायत में तैनात ईओ कल्पना वाजपेयी का आरोप है कि आज कार्यालय में उनके केबिन में चेयरमैन आशा देवी चक अपने भाई और बेटे के साथ आई। कल्पना वाजपेयी के अनुसार आमतौर पर चेयरमैन उन्हें अपने केबिन में बुलाती थी, पर उनका कमरे में आना उन्हें संदिग्ध लगा। चेयरमैन केबिन में आकर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे और अन्य विकास कार्यों का बिना बिल दिए भुगतान का दबाव बनाने लगी। मना करने पर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। माहौल गड़बड़ देख मैंने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने आकर उन्हें वहां से निकाला। अधिशासी अधिकारी कल्पना वाजपेयी का आरोप है कि जब वो शिकायत करने थाने पहुंची तो सत्ता का जोर दिखाते हुए चेयरमैन और उनके समर्थकों ने उनसे अभद्रता की। बीच बचाव कराने आए पुलिस कर्मियों से भी अभद्रता की। घटना के बाद से थाना फतेहाबाद व भाजपा जिला अध्यक्ष किरण सिंह कुशवाहा समेत तमाम नेता थाने पहुंच गए। सीओ फतेहाबाद सौरभ सिंह भी थाने पर मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो सत्ता पक्ष कल्पना वाजपेयी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं संदर्भ में नगर पंचायत फतेहाबाद की अध्यक्ष आशा देवी चक का कहना है कि उन्होंने अधिशासी अधिकारी से नगर पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों की बिलों के भुगतान के संदर्भ में बात की थी, जिस पर उन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने डिलीट करने को कहा। इसी बात पर विवाद हो गया। मारपीट की आरोप पूरी तरह निराधार हैं। मेरे कक्ष में आई। सामान्यतः वो मुझे अपने कक्ष में बुलाती थी, लेकिन आज वो मेरे कक्ष में आई तो मुझे आशंका हुई, क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी ऐसे दबाव बनाने की कोशिश की गई। तो आपके साथ मारपीट वगैरह मारपीट भी की थी, किस तरीके से? काफ़ी लोग फिर वहाँ पर आगे उन्होंने फोन किया, बता रहे थाने में भी अभद्रता की गई आपके साथ, उनके भाई बेटे भी आ गए वहीं पर कार्यालय। मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि मुझे किसी तरीके से ले जाए आकर के। वहाँ स्थितियाँ बहुत ही भयावह हो गई थी। जब थाने आ गए हम लोग तो थाने पर भी वो आ गई और थाने पर आकर के भी मारपीट हो रही थी। थाने पर आकर मारपीट की थी? जी जी जी, पुलिस के साथ भी काफ़ी मारपीट हुई, वहाँ पर भी स्थितियाँ। आपको बंधक भी बनाया गया था कि मैडम वहाँ पर कार्यालय में? बिल्कुल सर। सही खबर, तेज नज़र, बढ़ते कदम विकास की ओर, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक आवाज़, ब्रज टीवी आपको रखे सबसे आगे।